जनपद रुद्रप्रयाग में भाजपा जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष सविता भंडारी के नेतृत्व में गांव में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंची ग्रामीण महिलाओं ने प्रधानमंत्री का लाइव भाषण सुना और सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से मिल रही मदद पर खुशी भी जताई। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। आज यहाँ पर नारी शक्ति बंधन के तहत मीटिंग थी, सीधा मोदी जी लाइव मोदी जी को सुनाया सबने, और सभी हमारी ग्राम सभा में तो सभी मोदी जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि सभी को मोदी जी की कुछ ना कुछ योजनाओं से लाभ मिला है। किसी को आवास मिल रखा है, किसी को उज्ज्वला गैस मिल रखा है, किसी को फ्री राशन मिल रही है, और वो किसी को पेंशन है, किसी को किसान सम्मान निधि है। तो इसके लिए नारी सशक्तिकरण में मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारी सभी महिलाएं, समूह की महिलाओं को भी बहुत ही इसमें वो लाभ मिल रहा है। इसके लिए मोदी जी का और वो महिला मोर्चा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज जो यहाँ पे नारी हम तलनागपुर मंडल का जो नारी शक्ति बंधन का कार्यक्रम कोटगी में हमने रखा था, उसमें महिलाओं की जो संख्या थी और जो उनका जुनून और जो उनका उत्साह था, उसको देखते हुए मैं ये कहूँगा कि इस बार जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक टारगेट है कि 400 के पार, हम 450 के भी पार होंगे ऐसा मुझे लगता है। और जो उत्साह आपने देखा होगा, अभी यहाँ पे जो महिलाएं आई थी उनमें अपार उत्साह है, और जो लाभार्थी थे उनका आपने कहना सुना होगा कि वो जो मोदी जी की योजनाएं हैं उनसे वो बहुत लाभान्वित हुई हैं और उनको वो योजनाएं काफ़ी पसंद हैं। तो आज मैं कोटगी बूथ से ये वो करता हूँ कि तल्लानागपुर मंडल में इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और मोदी जी को हम फिर 400 पार के नारे को साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक महिला मोर्चा अध्यक्ष होने के नाते भी हमें प्रदेश और राज्य से निर्देशित हुआ था कि हमें तीन नारी शक्ति प्रोग्राम तीन प्रोग्राम करने हैं। परसों हमारा 4 तारीख को मैराथन नारी शक्ति मैराथन दौड़ थी। जनपद रुद्रप्रयाग में भाजपा जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष सविता भंडारी के नेतृत्व में गांव में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंची ग्रामीण महिलाओं ने प्रधानमंत्री का लाइव भाषण सुना और सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से मिल रही मदद पर खुशी भी जताई। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। आज यहाँ पर नारी शक्ति बंधन के तहत मीटिंग थी, सीधा मोदी जी लाइव मोदी जी को सुनाया सबने, और सभी हमारी ग्राम सभा में तो सभी मोदी जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि सभी को मोदी जी की कुछ ना कुछ योजनाओं से लाभ मिला है। किसी को आवास मिल रखा है, किसी को उज्ज्वला गैस मिल रखा है, किसी को फ्री राशन मिल रही है, और वो किसी को पेंशन है, किसी को किसान सम्मान निधि है। तो इसके लिए नारी सशक्तिकरण में मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारी सभी महिलाएं, समूह की महिलाओं को भी बहुत ही इसमें वो लाभ मिल रहा है। इसके लिए मोदी जी का और वो महिला मोर्चा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज जो यहाँ पे नारी हम तलनागपुर मंडल का जो नारी शक्ति बंधन का कार्यक्रम कोटगी में हमने रखा था, उसमें महिलाओं की जो संख्या थी और जो उनका जुनून और जो उनका उत्साह था, उसको देखते हुए मैं ये कहूँगा कि इस बार जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक टारगेट है कि 400 के पार, हम 450 के भी पार होंगे ऐसा मुझे लगता है। और जो उत्साह आपने देखा होगा, अभी यहाँ पे जो महिलाएं आई थी उनमें अपार उत्साह है, और जो लाभार्थी थे उनका आपने कहना सुना होगा कि वो जो मोदी जी की योजनाएं हैं उनसे वो बहुत लाभान्वित हुई हैं और उनको वो योजनाएं काफ़ी पसंद हैं। तो आज मैं कोटगी बूथ से ये वो करता हूँ कि तल्लानागपुर मंडल में इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और मोदी जी को हम फिर 400 पार के नारे को साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक महिला मोर्चा अध्यक्ष होने के नाते भी हमें प्रदेश और राज्य से निर्देशित हुआ था कि हमें तीन नारी शक्ति प्रोग्राम तीन प्रोग्राम करने हैं। परसों हमारा 4 तारीख को मैराथन नारी शक्ति मैराथन दौड़ थी, रन फॉर मोदी जी कल था, नारी शक्ति वंदन पद यात्रा जो कि मेरे दोनों विधानसभाओं में हुआ, और आज लास्ट जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम महिलाओं के लिए समर्पित ये लास्ट कार्यक्रम था जो बंगाल से लाइव प्रसारण था। आज हर
रुद्रप्रयाग जिले में हर मंडल में 12 मंडल हमारे रुद्रप्रयाग जिले में हैं, हर मंडल में महिला मोर्चा द्वारा कार्यक्रम किया गया है। बड़े सब महिलाओं ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया है, धन्यवाद किया है, और मैं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें 30% आरक्षण 30% आरक्षण देकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया, सशक्त किया। और इसमें विश्वास दिलाती हूँ कि इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी 400 पार हर बूथ, हर विधानसभा, हर बूथ लेवल पे हमारा भरपूर साथ, महिलाओं का कहना है कि हमारा भरपूर साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ रहने वाला है। आज एक प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी को लाइव चलन छो, तो हमारे प्रधान जी ने, हमारा मुख्यमंत्री प्रधान जी ने बहुत ही महिलाओं तक, मतलब बहुत सम्मान देनी महिलाओं तक एथर बढ़ाई, और बहुत ही हमारा पूरा देश ने, मतलब जो भी लाभ उठाई, लाभ हम बहुत लाभ उठाई, जो भी मिली हम तक थोड़ा बहुत मिली थी, और जैसे हम तो रोजगार, हम तो मतलब सिलाई बुनाई जो भी मिली बहुत कुछ मिले हम तें, और आवास भी हम तो मिली छो, लेकिन बीच में नौ कटी हमारू जियो टैग भी हुई छो, पर लेकिन बीचों बीच नौ कटी आवास को, फिर मैं ये रिक्वेस्ट कर दूँ कि फिर हम तो आवास मिलन चाहूँ छूँ, और बहुत ही सम्मान दिलाए हम महिलाओं तय, और एक रिक्वेस्ट मेरे हो प्रधानमंत्री जी से कि मैं एक लोक कलाकार भी छूँ, लोक गायिका भी छूँ, और मैं तय कखिमू मंच भी मिलन चाहूँ छ, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर दो प्रधानमंत्री मोदी जी को।